स्टूडेंट्स, तो मिशन 50 के बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग के जो सपने हैं वो विद इन ए टाइम कंप्लीट हो जाए, मिल जाए वो चीज़, ताकि आप हमारे पास सपने को पूरा करके आए। और हम लोग लगातार होली के दिन भी लाइव हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके से, कितना एनर्जी के साथ, कितना डेडिकेशन के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस कीमत को आप समझेंगे, मेरी कीमत नहीं समझना है आपको, समझना अपनी कीमत। जब सर खड़े हैं मेरे लिए तो हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। हम उस दिन होली मनाएंगे जिस दिन अपने ड्रीम्स को पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। हम पूरा आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगले होली से पहले आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार लेकर आए मेरे पास, ये मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामना है। सबको हैप्पी होली। अब मिल लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। व्लादिमीर पुतिन छपरा से हैं, बिल्कुल। लक्ष्मीकांत यादव, प्रभात कुमार जी, निकिता, महेश यादव, मधु, श्वेता कुमारी, हैप्पी होली। सभी को हैप्पी होली, ढेर सारी शुभकामना। सर, हम आप रिप्लाई नहीं दिए, प्लीज दुआ दीजिए। बिल्कुल, हमेशा है शुभकामना। चलिए देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज को शुरू करते हैं आज, बीच में बात करते रहेंगे। कल एक प्रॉब्लम था, कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर चिरांद छपरा में नहीं है, सारण में है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर छपरा में चिरांद नहीं है, सारण में है। हम कहते हैं सारण में भी और छपरा में भी है। हमारा कहना है कि सारण में भी है और छपरा में भी है। सर, सारण जो है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? छपरा। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है चिरांद। तो तुम भी सही कह रहे हो, मैं भी सही कह रहा हूँ। जैसे पश्चिमी चंपारण हेडक्वार्टर कहाँ है जी? बेतिया। वैसे ही सारण का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा। तो छपरा सारण दोनों आंसर करेंगे तो गलत नहीं होगा। और ऑप्शन में आपको कोई एक ही देगा, अगर ऑप्शन में दोनों दे देता है तो ई मार दीजिए। बिहार स्पेशल में अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तो ई लगा दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर सहजानंद सरस्वती का जो बुक है वो हुंकार है, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर का है ना, कर्म कलाप जो कल मैंने बताया था वो था सहजानंद सरस्वती का, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर का था, ठीक है? तो आप लोग बस फैक्ट चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम खुद भी उसको, अगर मान लो मैं भी कभी मान लो कोई आंसर ऐसा होगा मैं विवादित बता दिया तो करेक्ट कर दूंगा। लेकिन कल बिल्कुल सही आंसर किया गया था, कल के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने सही दिया है। लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। 1000 बिहार स्पेशल क्वेश्चन कराने का मेरा लक्ष्य है बीपीएससी पीटी से पहले, और करा के मानेंगे। सेशन के ऊपर शेयर कर दीजिए। क्या है सर, विश्व रंजन कुमार जी बोल रहे हैं कि सर आपकी दुआ से आरआरबी एनटीपीसी हो गया है। मैं रोहताश। अच्छा, बिल्कुल, आपको शुभकामना, आपको ढेर सारा बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई विश्वकर्म, आपको बहुत सारा बधाई हमारे तरफ से। आपका एनटीपीसी आरआरबी में हुआ, हम चाहते हैं कि आप रेलवे बोर्ड का ऑफिसर बन करके आए। हमारी शुभकामना, आशीर्वाद है, इसी तरक्की करते रहिए, मेरा बधाई है। अब पूरे मिशन 50 की तरफ से आपको इस सिलेक्शन के लिए बधाई, शुभकामना। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल किया, किस सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को। उस समय इस आंदोलन के दौरान कहां के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी? छपरा, कटिहार, भागलपुर या मुंगेर? सब लोग आंसर कीजिए, कहां के जेल में नंगी हड़ताल कर दिया, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सब लोग आंसर कीजिए, सब लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? छपरा। छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन हुआ? पहला आंदोलन हुआ शराब बंदी आंदोलन। शराब बंदी ये कोई नया नहीं है, बिहार में पहले से चलता रहा है। और दूसरा जो आंदोलन हुआ वो हुआ चौकीदारी कर न देने का आंदोलन। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन, न देने का आंदोलन, नोट कर लीजिए,
बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दो आंदोलन हुआ, शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून तोड़ा गया। गांधी जी ने 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक एक यात्रा किया जिसका नाम था दांडी मार्च। दांडी मार्च ये हुआ साबरमती से दांडी के बीच, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, छपरा में नंगी हड़ताल हुआ। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए, सबको होली की शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, गोदखारी विद्रोह या बहावी आंदोलन? सब लोग जल्दी से बताइए। बहावी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, गोदखारी विद्रोह। 1830 के दशक में पटना और एक और नगर लुधियाना, पटना और लुधियाना, पटना नगर बिहार में और पंजाब के लुधियाना सतलुज नदी किनारे है लुधियाना। यदि आप जम्मू जाइएगा ना बस से ट्रेन से तो लुधियाना रास्ते मिलता है, लुधियाना। बताइए पंजाब के लुधियाना और पटना किस विद्रोह का केंद्र था? जल्दी बताओ, ये नोट कर लेना है। पूरे भारत में किस विद्रोह का केंद्र था? पंजाब का लुधियाना, बिहार का पटना। सही उत्तर होगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन चला 1830 से लेकर 1888 तक, लेकिन इसका दमन 1862 में हो गया था। चला कब तक? 88 तक, लेकिन दमन कब कर दिया गया? 1862 में, जब गवर्नर था लॉर्ड एल्गिन। क्वेश्चन आ जाए, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन लिख लीजिए। किस गवर्नर ने बहावी आंदोलन का दमन किया? तो लॉर्ड एल्गिन। 1830 से लेकर 1888 तक आंदोलन चला, लेकिन 62 में इसको दबा दिया गया। बाकी चलता रहा आगे, लेकिन 62 में इसको दबा दिया गया लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। तो बहावी आंदोलन पटना और लुधियाना, भारत में इसके दो केंद्र थे, नोट कर लीजिए। आगे आइए, इससे बेहतर सवाल नहीं मिलने वाला। जो सवाल मैंने उठाया है आपके लिए, बेहतर से बेहतर सवाल उठाया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिहार, उड़ीसा बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? सभी लोग उत्तर कीजिए। 1930, 1933, 1936, 1938, बताइए कब अलग हुआ उड़ीसा? जल्दी से बताइए, 1930, 1933, 1936 या 1938, उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं, सबका आंसर सही है भाई। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ भैया? आने वाला है 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ, और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां क्या हुआ था? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, बुद्ध की मृत्यु हुई। बताइए, जल्दी बताइए, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। राजेश जी, निभा कुमारी, नीतू, अजीत जी, पवन कुमार, सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए भैया, सेशन को शेयर कर दो। सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, सॉरी महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को लिख लो मेरे भाई, क्या बोलते हैं? संबोधि। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं, अंग्रेजी में एनलाइटमेंट कहते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं भैया?
एनलाइटमेंट। और महात्मा बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी कि एशिया महादेश का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, इनका मृत्यु हुआ कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ। अब बुद्ध पैदा कहाँ हुए? लुम्बिनी। बुद्ध कहाँ पैदा हुए? नेपाल के लुम्बिनी में। रूमिनदेई अभिलेख, रूमिनदेई। क्वेश्चन आ जाए, किस अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था? चलिए, तो महात्मा बुद्ध जहाँ पैदा हुए वहां महाबोधि मंदिर बनाया गया। एक बात और, बिहार का दो प्लेस है जो यूनेस्को में शामिल है। बिहार का दो प्लेस यूनेस्को में शामिल है, एक महाबोधि मंदिर, एक महाबोधि मंदिर, और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। नोट कर लीजिए, भारत के टोटल कितने? 40। भारत के टोटल 40 प्लेस यूनेस्को में शामिल हैं, जिनमें दो कहां से हैं भैया? बिहार से। नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर बोधगया, इन दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। टोटल कितने हैं? 40। और हाल ही में रायप्पा मंदिर और दूसरा धौलाबीरा को भी शामिल किया गया है। कुल कितने हो गए? 40। 40 यूनेस्को में शामिल है, जिसमें से दो बिहार के हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि टेम्पल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला आ जाओ मेरे भाई। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया? 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किसमें मिलता है? मौर्य साम्राज्य का मत बोलिए, पटना का। आप ये लिख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का मतलब पटना। पटना का 7 वर्ग यानी 7 जाति में किसने बांटा? पटना को 7 अलग अलग कास्ट में किसने बांटा था? पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेख में, या मेगास्थनीज के इंडिका में? जल्दी बताओ, पटना को 7 अलग अलग जातियों में किसने बांटा? किसने कहा कि पटना में 7 जाति के लोग, 7 कास्ट के लोग रहते थे? किसने कहा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पुराण में बोला गया, या अशोक के अभिलेख में बोला गया? नहीं, मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसकी पुस्तक का नाम इंडिका। इसने कहा कि पटना में 7 जाति के लोग रहते हैं। इसने कहा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज प्रसाद है, जो उसका महल है, वो लकड़ी का बना हुआ था, उसमें 84 स्तंभ थे। राजमहल के चारों तरफ एक बाउंड्री थी जिसमें 64 गेट थे। इसने कहा कि भैया पटना का प्रशासन 6 अलग अलग डिपार्टमेंट से चलते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं? 5। यानी पटना के बारे में पूछा जाए विशेष जानकारी, ये सब देता है, सब देता है, लेकिन विशेष जानकारी पूछे तो मेगास्थनीज का इंडिका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मेगास्थनीज का इंडिका। चलो भैया अगला प्रश्न, बिहार बजट 2021-22 में, देखो 22-23 नहीं, 21-22 में सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र को दिया गया? क्योंकि कोई ठीक नहीं, बीपीएससी का डेट बढ़ता जा रहा है, 21-22 और 22-23 दोनों का बजट पूछ सकता है। 21-22 में सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र को दिया गया? जल्दी बताइए, बिहार के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक राशि दी गई? जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दीजिए भाई। बिहार के बजट इक्कीस बाईस में किस क्षेत्र को ज्यादा फोकस किया? इस बार भी वही है, नोट कर लेना, शिक्षा। इस बार भी शिक्षा पे ही ज्यादा खर्च किया गया है। अगर तो आपसे पूछे 2022-23 में तो भी आंसर क्या होगा? शिक्षा। 21-22 भी तो शिक्षा, 22-23 में भी शिक्षा, कॉमन याद कर लो दोनों। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ, एक बार में बिहार का बजट भी आपको, बिहार का बजट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पर एक स्पेशल सेशन ले लूंगा, लगातार बस जुड़े रहना। चलो भैया, बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा किसने दिया, दर्जा दिया गया था कब? बिहार को मुगल साम्राज्य के एक राज्य के रूप में दर्जा कब दिया गया? 1529, 1580, 1587 या 1590? बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा कब मिला? 1529, 1530 नहीं 1580, 1587 या 1590? सभी लोग उत्तर दीजिए, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मुगल शासन में कब मिला? तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 1580। इसमें कौन शासक था भाई? 1580 में कौन था शासक? 1580 में कौन था भैया? अकबर। 1580 में अकबर के समय
बिहार को एक प्रांत का दर्जा मिला था कब, जब राजा था अकबर, इसको भी नोट कर लीजिएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए, बिहार में सात निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार कब हुआ, 2014, 2015, 2017, 2019, अब तो सात निश्चय पार्ट टू भी आ गया, सात निश्चय पार्ट टू भी आ गया भैया, सात निश्चय पार्ट टू पर बताइए बिहार में सात निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 2014, 2015, 2017 या 2019, सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, लगातार सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, हर जगह सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, गुरुजी यदि लगता है मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है शेयर करना, और यदि सेशन अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो भैया सही उत्तर होगा 2015, सात निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 2015 में, अब सात निश्चय पार्ट टू भी आ गया। चलिए नेक्स्ट आइए आगे, बिहार विधानसभा में प्रस्तुत 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में कितने प्रतिशत रही, जल्दी बताइए बिहार का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा था 2020-21 के अनुसार, पूछ रहा हूं 21-22 नहीं, बताइए 20-21 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पहले का होता है, अभी जो जारी हुआ कब का जारी हुआ है, 21-22 का। चलो भैया 19-20 में भारत बिहार का विकास दर कितना रहा, 10.5%, 10.5%। आगे आइए, किस मुगल शासक ने खखरा देश छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की, किस मुगल शासक ने, अब झारखंड में चला गया, छोटा नागपुर पर विजय किसने प्राप्त की थी, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, माने कि मुगल काल में छोटा नागपुर को किस नाम से जानते थे, खखरा देश, खखरा देश के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, कौन से क्षेत्र को खखरा देश कहते थे, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पर किसने अधिकार किया भैया, किस शासक ने छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की, जल्दी से उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर, जहांगीर, जहांगीर ने छोटा नागपुर प्रांत पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल में जो चित्रकारी होती थी उसको पित्रादुरा कहते थे, पित्रादुरा कहते थे, और पित्रादुरा का पहली बार इस्तेमाल कहां किया गया था, आगरा के इत्मादुद्दौला के मकबरे में, आगरा के इत्मादुद्दौला के मकबरे में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। तो जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, नोट कर लीजिए, और छोटा नागपुर पर अधिकार किसने किया, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या घनत्व, सुन लेना, जनसंख्या नहीं, पॉपुलेशन के मामले में तीसरा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार, जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, इसका उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर दीजिए सब लोग, इसमें गलत हुआ तो कान कबाड़ लेंगे, इसका सही उत्तर होगा पहला, जनसंख्या घनत्व में हमारा पहला स्थान है, कितना है भैया, 1106, नोट कर लो, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर नोट कर लीजिए, 1106 व्यक्ति रहते हैं, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है जी, अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति मात्र, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मात्र 17, अरुणाचल प्रदेश मात्र 17, बिहार 1106 प्रथम स्थान पर, आगे आते हैं नेक्स्ट, आगे आ जाओ जल्दी से, बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है, यही तो है जिसमें हम टॉप पे रहते हैं, साक्षरता लिटरेसी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, 27वां, 33वां, 29वां या 35वां, जल्दी बताइए, साक्षरता के मामले में बिहार का कौन सा रैंक है भैया, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिए आप लोग, कौन सा स्थान है भैया, सही उत्तर क्या होगा, 35वां स्थान है शिक्षा के मामले में, हालांकि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे ठीक हो जाएगा। भगवान महावीर को कहां निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ राजगीर, पावापुरी, निर्वाण, देखो बौद्ध धर्म में मरने को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जैन में निर्वाण बोलते हैं। चलो भैया कहां निर्वाण प्राप्त हुआ, राजगीर, पावापुरी, यानी महावीर जहां मरे
जहां मृत्यु हुआ वो कौन सा जगह है जल्दी बताओ। राजगीर, पावापुरी, पाटलिपुत्र या वैशाली? महावीर, महावीर की मृत्यु कहां हुई जल्दी बताओ? पावापुरी। क्या आंसर होगा? जन्म हुआ कुंड ग्राम में, जन्म हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में, और मृत्यु हुआ नालंदा के पावापुरी। मृत्यु नालंदा के पावापुरी, नोट कर लेना, और जन्म कुंडलपुर ग्राम। और ज्ञान प्राप्त महावीर को कहां हुआ? जिम्भरिका ग्राम। जिम्भरिका ग्राम ऋजु पालिका नदी के किनारे। महावीर के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जामाली। और जैन धर्म में पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ। इन सारी बातों को नोट कर लेना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, उसके काल में बिहार की राजधानी कहां थी? पटना, बिहार शरीफ, बोधगया, वैशाली? सब लोग बताइए कहां थी राजधानी, जल्दी बताइए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी जल्दी बताओ। इसका उत्तर जो देगा मेरे हाथों लो चॉकलेट खाएगा। जल्दी बताओ, होली में लड्डू खिलाएंगे, जल्दी बता दो कहां थी राजधानी। सही उत्तर बी होगा, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? बिहार शरीफ। नोट कर लीजिए, यह 14 सवाल ही था। खैर लास्ट होगा, एक प्रश्न मैं ऐसे ही पूछता हूं आप लोगों से, एक प्रश्न मैं ऐसे ही पूछता हूं, बताइएगा। चलिए 12 प्रश्न हो भी जाएगा 15 को। बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब पारित किया गया? अगला प्रश्न आपसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, बिहार में पहली बार जेंडर बजट कब पारित किया गया? पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब पारित किया गया? चलिए आपके सामने ऑप्शन चार है, 27 अप्रैल 2008, 27 मार्च 2008, 26 मार्च 2008, 28 मार्च 2008। जल्दी बताइए बिहार में पहली बार जेंडर बजट कब पारित किया गया? जेंडर बजट कब पारित किया गया? सही उत्तर क्या होगा? 27 मार्च 2008। पहली बार जेंडर बजट 27 मार्च 2008, 27 मार्च, नोट कर लीजिए। पहली बार बिहार में 27 मार्च 2008 को पहली बार बिहार में जेंडर बजट पारित किया गया। और एक प्रश्न और सुन लीजिए, बिहार में पहली बार किस वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था? बिहार में पहली बार किस वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था? इसका सही उत्तर होगा सुशील कुमार मोदी। इतनी बातें आप याद रखिए। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बताइए, कैसा लगा सेशन? और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो 3 टेलीग्राम चैनल है, मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS। इन तीनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं कल फिर 5:30-6 बजे पूरे दम के साथ, जोर के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ। तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभकामना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।